सदर प्रखंड में बने कोनगो नदी पर बना पुल रात को 2 घंटे हुई लगातार बारिश की वजह से ध्वस्त हो गया। आपको बता दें कि पुल के 4 पिलर पूरी तरह से टूट गए हैं, जिसके कारण लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पुल को पार कर रहे हैं। आपको बता दें कि यह पुल का शिलान्यास तत्कालीन सांसद रीतलाल प्रसाद वर्मा और गांडे के पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार के द्वारा 1998 में और उद्घाटन 2000 में किया गया था। इधर स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। यह जो आप लोग देख रहे हैं, ये सदर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पिंडाटाण में बना एक कोनगो नदी पर पुल, जो परसाटाण मोड़ से छोटकी खरीर डिहा के लगभग 50 गांव को जोड़ती है, इनका जो पहले से ही डैमेज था, जिला प्रशासन को इनका खबर किए हुए हैं। केंद्रीय एवं राज्य मंत्री सह कोडरमा लोकसभा सांसद अन्नपूर्णा देवी जी को भी इसका सूचनाक आवेदन के माध्यम से किया गया था कि इसका अविलंब कुछ ना कुछ डायवर्सन या तो कुछ व्यवस्था की जाए, लेकिन उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। आज अति बहाव के कारण, पानी पड़ने के कारण आज रात्रि को पुल धस चुका है।